आज से ठीक एक हफ्ते पहले दोस्तों बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले था। हमने देखा किस तरीके से रुबीना दिलैक ने ट्रॉफी जीती, हमने देखा किस तरीके से अली गोनी ने दोस्तों दिल जीता और टॉप फोर में आकर वो चले गए बाहर। अब आपको बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से अली गोनी ने रिविजिट किया है बिग बॉस 14 का फिनाले। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा मौजूद हूं मैं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब अली गोनी के बारे में कि वो सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते हैं। वैसे खैर आजकल तो अली भाई जो है वो मस्त एकदम घूमने में लगे हुए हैं, एकदम पाड़ी वाड़ी कर रहे हैं, पाड़ी चल रही है उनकी। बट आपको बता दूं तो अली गोनी जो है वो कश्मीर घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर घूम रहे हैं और जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पे आज के दिन अभी जैसे 11 मिनट पहले ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पोस्ट करी। सी ये कश्मीर घूम रहे हैं अली भाई। लेकिन उससे पहले दोस्तों आज उन्होंने एक और बड़ी वीडियो पोस्ट कर दी थी और वो करी थी टेकिंग यू बैक टू सम बिग बॉस 14 मेमोरीज। और फिर उसके बाद उन्होंने जो वहां पर जो उनका शूट हुआ था ये वाला, मैं इसकी वॉल्यूम नहीं प्ले कर सकता कॉज कॉपीराइट आ जाएगा। सो ये वाली वीडियो जो है बीबी 14 फिनाले ग्रैंड फिनाले, उससे पहले इनका फोटो शूट हुआ था जिसमें रुबीना ने गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी थी, इफ यू रिमेम्बर दैट थिंग। तो यहाँ पर ऐसे रुबीना ऐसे पोज वोज दे रही है, तो वहीं अली भाई भी अलग अलग तरीके की पोज दे रहे हैं। अली भाई तो स्मार्ट है ही। सो ऐसे में अब दोस्तों अली गोनी ने अपनी अपनी अपने सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट किया और कहीं ना कहीं फिनाले को याद किया। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है दोस्तों उनका कैप्शन जो उन्होंने ऐसा मुंह बनाया है। सी ये जो वो एक सेकंड बड़ा होता है तो ना बड़ा नहीं हो रहा, सॉरी। वैसे मुंह टेढ़ा करने वाला नहीं होता क्योंकि डेफिनेटली अली भाई वॉज वेरी शॉक्ड कि वो टॉप थ्री में नहीं आ पाए थे और इसके चक्कर में उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके का मुंह बना रखा है फिनाले के बगल में लिखकर, क्योंकि उनको इतनी उम्मीद जरूर थी कि मैं फिनाले में जरूर आऊंगा। क्या वैसे आपको क्या है कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत है।